आज से कुछ दिन पहले मैंने बाइक का काम करवाया था, जो कि पिछला आपने ब्लॉग देखा था उसमें बाइक का काम ही करवाया जा रहा था। और उसके बाद से जो मेरा मन है वो बाइक चलाने में कुछ ज़्यादा ही लगने लग गया। लेकिन जब से ये बाइक का काम करवाया ना, उसके बाद से बारिश ही नहीं थम रही है, तो मुझे बाइक चलाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। भाई साहब, बाइक का काम जो है वो अपनी जगह पर है। जो ये वाला स्टिकर बना है ना, ये बिल्कुल बॉम्ब। क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं तो थोड़ा काम करना पड़ता है। शाम के टाइम हम माता मनसा देवी के मंदिर में थे, जहाँ पर हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की और काफी लेट हम वापस घर पहुंचे थे। और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फेक ड्रोन शॉट किस तरह से लिया जाए। फेक ड्रोन शॉट लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो अपना गोप्रो है उसे अपनी सेल्फी स्टिक में लगाना पड़ेगा और पीछे से हम उसे लेके आएंगे। ट्राई करता हूँ मैं कि किस तरह से ड्रोन शॉट आता है, आप मुझे बताना कि अच्छा है या नहीं। लेने के लिए तो ये सेल्फी स्टिक काफी छोटी है, बट जो शौक जो है मतलब मुझे करना था वो मैंने कर दिया। जब हम बहुत छोटे से थे, आई थिंक 10th क्लास में थे या 9th या 10th में थे, उस टाइम हम इस वाले टावर में ऊपर चढ़ गए थे। और पहले चढ़ने में काफी डर लग रहा था, लेकिन जैसे एक दूसरे को देखते रहे फिर हम इसमें जाके ऊपर चढ़ ही गए। और ऊपर जाके हमें फील हुआ कि ये टावर जो है वो बहुत ज्यादा हिल रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए 2023 का सबसे बेहतर व्यू कौन सा है, तो ये वाला 2023 का मेरे लिए सबसे बेहतर व्यू यह है चूड़धार शिरगुल महाराज की तरफ। ये तपोस्थल उसी समय सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है जब यहाँ पर बहुत सारी बर्फ गिरी, और पिछली सर्दियों में जो सबसे ज्यादा बर्फ गिरी है वो बीते कुछ दिनों में गिरी, तो ये वाला व्यू इस साल में तो पहली बार इस तरह से देखने को मिला। तो इसी के साथ मौसम भी बिल्कुल साफ हो जाता है और मैं निकल पड़ता हूँ एक खूबसूरत सी राइड के लिए। और साथ ही साथ आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय।